दिल्ली की बात नहीं, क्योंकि है ना हर कपड़े नहीं, सॉरी टिकट टू। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग एंड गुड मॉर्निंग आप सबको, एंड आई होप आप लोग का दिन अच्छा जाए। एंड अभी देखो बारिश शुरू हो गया, बारिश आ रहा है सुबह सुबह, और अभी भी मैं उठूँ सुबह भी बज रहे हैं 9 बजने वाले हैं, और अभी फटाफट से पहले थायराइड का मेडिसिन खाते हैं, वो भी ख़त्म होने वाला है, बस 2-3 कैप्सूल बचा है, ख़त्म हो जाएगा आज या कल तक ख़त्म हो जाए, तो उसके बाद हम थोड़ा सा कार्डियो और जिंदा करेंगे, है ना, फिर ब्रश वर्श, फिर ब्रेकफास्ट, उसके बाद हम बिग बॉस देखने लग जाएंगे एज ऑलवेज। लेट्स स्टार्ट ब्लॉग मॉर्निंग। चीज़ बन रहा था दैट जो कल वाला ब्लॉग था ना, अभी तक अपलोड नहीं हुआ है, पता नहीं आज भी लेट होगा यार। हमने सब ट्राई करती हूँ जल्दी अपलोड तो जल्दी कर देती हूँ, बट अपलोडिंग में लेट हो जाता है और अपलोड नहीं होगा, ये कल वाला ब्लॉग भी आप टाइम में नहीं देख पाओगे लग रहा है मुझे। वैसे बारिश हो रहा है, बारिश का एंजॉय कर रही हूँ बैठ के थोड़ी देर, उसके बाद जाऊँगी। ब्रेकफास्ट वगैरह करके मैं बाहर बैठी हूँ, तो सोचा आप लोग को बता दूँ कल कैप्टन जी टास्क में कौन, कैप्टन जी नहीं सॉरी, टिकट टू फिनाले के टास्क में कौन सा टीम जीता, टीम सी जीता, क्योंकि जो एक वायरल कमेंट था तू जीते या मैं जीतूँ, एलबी शर्ट पकड़ के बेचना होता तू जीते या मैं ही जीतूँ, बट ट्रॉफी तो एक ही कम्युनिटी में आएगी और हक का न्याय दोनों, इस चीज़ में बाहर हुआ था। बट जो दोनों लड़के देविका और जो जिया है, उसे लगता है कि जिया अपने जो अभिषेक और जिया बात कर रहे थे वो देख के ऑडियंस ने उन्हें टीम शिपर जिताया, बट नहीं ऐसा नहीं। और बेबी का ऊपर जब बोल रहे हैं कि जो अलविश भाई है उनका एफर्ट दिख ही नहीं रहा है, वो एकदम फेक साउंड कर रहे हैं, उनका एफर्ट नहीं है, सिर्फ वो जिया का ही एफर्ट की वजह से ऐसा है, तो बेबी का जी ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, एलविश की वजह से आप लोग टिकट के फिनाले के दावेदार बने हैं, सो प्लीज़। और या आज शायद होगा एक टास्क जिसमें चूज करना होगा किसी एक कंटेस्टेंट को जो कि टिकट के फिनाले वो आएगा, और कल रात से जिया बकरा भाई कन्विंस कर, तुम भाई चाहे छोड़ दो, मेरा सपोर्ट करो, मेरा सपोर्ट, और डायरेक्टली बोला कि मैं तुम्हें सपोर्ट नहीं करूँगा, मेरा भाई है तो मैं सपोर्ट करूँगा उसे, तुम्हें नहीं, कितनी बार ट्राई कर चुके, बट जी हमेशा फिर अरे भाई किसी को तुम्हारे लिए फीलिंग्स नहीं है, तुम क्यों पीछे पड़ी हो यार, कॉन्सेंट्रेट करो अपने गेम पे यार, वो गेम खेलने आए, लव एंगल नहीं बनाने आए, ठीक है, तो ऐसा टास्क ऊपर देखना पड़ेगा इनका कितना इंटरेस्टिंग होगा। अब अभी थोड़ी देर पहले पापा आए हैं और अभी मार्केट गए, वेडनेसडे मार्केट भी, वहाँ से अगर कुछ खाने के लिए लाएंगे, मैंने बोला है बटारे, बटारे मतलब
एक बिस्किट टाइप का होता है, ठीक है मैं दिखाऊंगी, काफी टेस्टी होता है ये, शायद इधर ही मिलता है अगर दिल्ली मुंबई अगर आप वहां से देख रहे हो मेरा ब्लॉग तो नहीं मिलेगा, शायद नहीं मिलेगा पता नहीं, बिस्किट टाइप का होता है। तो यस गाइस, अभी मैं फटाफट से शावर देने जाऊंगी, ठीक है थोड़ा सा मौसम ठंडा ठंडा हो रहा है तो मैं फटाफट से शावर लेने जाऊंगी, उसके बाद आके स्किन केयर वगैरह करेंगे, फिर देखते हैं बिग बॉस देखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है जल्दी से नहा लेती हूँ, उसके बाद आके बिग बॉस देखेंगे, और जो एडिटिंग है मेरा उस चीज़ का एडिटिंग कर रही हूँ मैं काफ़ी महीनों से काफ़ी दिनों से, बट जो पोस्ट करना मुझे मैं अभी वो नहीं करूँगी, और जो पूजा वाला वो आया नहीं आया है अभी तक, क्यों नहीं भेजा वो भैया ने एडिटर भाई साहब ने पता नहीं अभी तक दिया ही नहीं है, तो काफ़ी लेट, कितना महीना, चार चार महीना हो गया मैं तो फिर पाँच महीना हो गया, और अभी तक अच्छा वीडियो नहीं दिया है, मैं यूट्यूब पर पोस्ट ही नहीं करी, तो यहाँ पर तब अच्छे नहा लेते उसके बाद देखते क्या करेंगे। गाइस मैं शावर लेके आ गई हूँ एंड थोड़ा सा आते ही स्किन केयर भी कर लिया है ना, और कपड़े भी सुखा लिए बाहर, अभी बारिश नहीं हो रहा है ठीक है, अगर बारिश हो गया तो कपड़े धुलाने का और सुखाने का फ़ायदा ही क्या है गाइस, कल भी ऐसे हुआ था जैसे ही मैं शावर लेके आई कपड़ा सुखाया बाहर लंच खाया उसके बाद बारिश आया, फिर वो कपड़ा जो है भीग गया और ये रूम में सुखाना पड़ा। तो अभी हम लंच करने जाएंगे, लंच में मटन बना है, शायद मैं मटन नहीं खाती तो मैं सोच रही हूँ अपने लिए एक अंडा भुर्जी टाइप का बना, देखते हैं सब्जी होगा तो नहीं बनाएंगे अंडा भुर्जी, अगर सब्जी नहीं होगा तो देखते हैं। या लेट्स गो फॉर द लंच, चलो ये मटन बना था बट मैं मटन नहीं खा रही, तो आलू भाजी भात ये इसमें दाल है, दाल खाता और ये खीरा का चटनी टाइप का बना है, चल दूध डाल दीजिए मुझे, इधर ऐसा दूध इसमें क्या, हाँ थोड़ा सही बहुत ज्यादा भूख लग रहा है। 5 hours later. Hey guys, good evening सबको, अभी बजे शाम के 4:30 या 5 बजने वाले, चल टाइम नहीं देखा मैंने और आ गई सीधा ऊपर क्योंकि अभी हमारे घर पे कुछ गेस्ट लोग आए हैं आज रहने के लिए, तो यहाँ काफी जन आए हैं, 5-6 जन आ गए हैं, फिर मैं सीधे ऊपर आ गई थी, और जितना कल वाला वीडियो वीडियो में मैंने कल या परसों वीडियो जो बनाया था मैंने दो दो दिन के लिए बनाया था और ख़त्म हो गया वो वीडियो, और फिर आज शूट करना पड़ेगा तो मैं वही करने आई हूँ ऊपर, थोड़ी देर में स्टार्ट करूँगी शूट करना, और हाँ लंच करके मैं सो गई थी थोड़ी देर के लिए, अभी अभी उठी हूँ, आज हमने लंच किया करीब 1 बजे करीब किया, उसके बाद मैं बिग बॉस देखने लग गई थी, फिर सो गई और अभी अभी उठी। एंड देखो गाइस मेरा जो नेल्स है ना अभी ना बहुत एकदम बड़ा बड़ा हो गया, इसको कट करना पड़ेगा, बट अच्छा लग रहा है, ऐसे हाथ का इतना अच्छा होता तो बहुत अच्छा होता, बट कोई ना अभी मैं वीडियोस वगैरह शूट करूँगी, एंड अभी तक टिकट टू फिनाले का टास्क नहीं हुआ, आई होप एल्विस भैया जीते, और उसके बाद आज मनीषा नहीं जाए फर्स्ट ऑफ ऑल एविक्शन में, आशिका जाए, आशिका के लिए बुरा लगेगा बट क्या करें, ये बिग बॉस वाले मनीषा और आशिका दोनों को ही निकालने की वो कर रहे, और एक चीज़ मैंने लाइव फीड में देखा, लाइव फीड में नहीं एक ग्रुप है जिसमें अभिषेक भैया को सपोर्ट कर रहे हैं वो वाले ग्रुप में, इंस्टा ग्रुप में एक ने भेजा था जो ट्विटर पे था वो स्क्रीनशॉट करके भेजा था कि जी एक्चुअली स्टोर रूम जब खुलेगा तो एबीवी की अनाउंसमेंट से खुलेगा, ठीक है
बट अनाउंसमेंट को कुछ नहीं किया था बिग बॉस ने कि स्टोर रूम में कुछ रखा है ले क्या, वो नहीं किया था, बट जिया के लिए खोला। और देविका भी नहीं है, मुझे शक हो रहा है कहीं ना कहीं स्क्रिप्ट, इनको स्क्रिप्ट देंगे और स्क्रिप्ट के हिसाब से ये लोग बिग बॉस मेकर जो है ये करने की कोशिश कर रहे हैं। और पूजा भट्ट को भी जब पिछले बार बुलाया था सीक्रेट रूम में, मेडिकल इश्यूज था बोल के सभी कंटेस्टेंट को बोला ऐसे, बट उसके जगह स्क्रिप्ट दिया था, तो लगता है मुझे नहीं लगा था कि बिग बॉस स्क्रिप्टेड है। पहले सीजन OTT सीजन 1 में भी मैंने देखा है स्क्रिप्टेड नहीं था, ये सीजन थोड़ा सा स्क्रिप्टेड लग रहा है क्या, डेफिनेटली यही, बट सिर्फ 4 कंटेस्टेंट है, मुझे बहुत ही ज़्यादा रियल लग रहा है। दूसरे लोग बोल रहे हैं कि ये 4 लोग फेक है एकदम, वो जो बेबी का बोलते हैं वो तो कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं करती मेरे लिए, तो सिर्फ वो बकवास करने के लिए आई है लगता है। बट कोई ना, ये 4 लोग हैं, 4 में से टॉप 3 में मैं देखती हूँ मनीषा, अभिषेक और एल्विस भाई का आज तो मिल ही जाएगा टिकट टू फिनाले। अगर बिग बॉस मेकर्स के हिसाब से वो जिया को टिकट टू फिनाले दिलवाना चाहिए, ताकि जिया, अभिषेक और एल्विश हो शायद, पर ये कामयाब नहीं होने वाला बिग बॉस के मेकर्स, तुम गलत फैमिली में जी रहे, नहीं होने वाला ये डेफिनेटली। तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करती, जल्दी जल्दी शूट कर लेती, फिर अब नहीं करूँगी तो आलस हो जाएगा। यस गाइस, ये देखो वेदर भी बहुत अच्छा हो रखा है, मेरे रूम से ना वेदर बहुत अच्छा होता है, मीन्स व्यू अच्छा होता है। चलो शूट करते हैं, लेट्स गो। Eternity later. काफ़ी दिनों के बाद मैंने इस आउटफिट पे वो बनाया, क्या बोलते से वीडियोज़ वगैरह बनाया, काफ़ी अच्छा वीडियोस आ रहा है आजकल, और रेस्पॉन्स भी आप लोग का अच्छा ही आ रहा है, एंड प्लस फोटोज भी अच्छा ही निकला है। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, वेल डन अनिष्का। चलो अभी सब चेंज करते हैं, अपने नॉर्मल सा लुक में आते हैं, वीडियो में आते हैं, और बिग बॉस देखते क्या हो गया, जिसको मिला टिकट टू फिनाले वीडियो बनाने चक्कर में मैंने वो भी नहीं देखा। तो पहले ड्रेस चेंज करते हैं, फिर मेकअप उतरते, फिर नीचे जाते हैं, उसके बाद हम करेंगे इस ब्लॉग का एडिटिंग। तो गाइस आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगर मैं ज़्यादा ब्लॉग वो करूँगी तो ड्यूरेशन ज़्यादा लंबा होगा और अपलोडिंग में दिक्कत होगा। तो गाइस आज का ब्लॉग इधर ही एंड करते हैं, आई होप यू लाइक दिस ब्लॉग, एंड इफ यू लाइक दिस ब्लॉग देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय ब्लॉगिंग चैनल इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, एंड इफ यू वांट मोर डेली ब्लॉग्स। तो या सी इन द नेक्स्ट ब्लॉग, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए सबको, आप लोग भी खुश रहिएगा, एंड एंजॉय कीजिए लाइफ को यार, और बिग बॉस देखते रहिए। और या सी इन द नेक्स्ट ब्लॉग, सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। या अभी मैं डिस्टेंस करूँगी, फिर वर्कआउट अगर टाइम मिला तो वर्कआउट भी करूँगी। जाना, थैंक यू फॉर वॉचिंग द ब्लॉग एंड सी इन द नेक्स्ट ब्लॉग।